हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड इस वीडियो में और चार कंपनी के रिजल्ट एक्चुअली छूट गए थे, और बात करें वो चार कंपनी दिग्गज कंपनी है, तो उनके रिजल्ट से रिलेटेड बातें करेंगे। अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर लाल पैथलैब, हिंडालको, क्रॉम्पटन और एक कंपनी और है, उसके रिजल्ट से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करें ताकि वो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ ले सके, एज वेल एज नॉलेज ले सके और आगे बढ़ सके और इन्वेस्टमेंट की फील्ड में। क्योंकि अगर बात करें इंडिया बहुत पीछे है, केवल 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में, बाकी अगर यूएस की बात करें तो 70-80%, अगर बात करें 90% की पब्लिक वहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है बच्चे तक। तो लाइए लोगों को कनेक्ट कराइए और आगे इसी तरीके से नॉलेज मिलती रहेगी और बढ़ते रहेंगे हम सब एक साथ में। अगर बात करें यहाँ पर अभी रिजल्ट से रिलेटेड धानु का, यहाँ पर कुछ कंपनी से रिलेटेड, 10 कंपनी से रिलेटेड रिजल्ट से रिलेटेड बातें करिए। मैक्स हेल्थ केयर और JTEKT एक स्टॉक है, उससे रिलेटेड बात करिए, ब्रेकआउट हुआ है आज की डेट में, तो वहाँ पर उससे रिलेटेड बातें हैं। तो आइए वीडियो की तरफ। तो अगर बात करते हैं, पहली है हिंडालको। हिंडालको आदित्य बिरला की कंपनी, आपको पता ही है। अगर बात करें यहाँ पर इससे रिलेटेड बातें कर ले, ₹3 का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डेट वगैरह आप देख लीजिएगा, यहाँ पर काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा इनके रिजल्ट के लिए, और यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, BSE की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती हुई नज़र आ जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर आ गए हम रिजल्ट पे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, एक मिनट और थोड़ा नीचे, एक मिनट दीजिए। हाँ, यहाँ पर ये रिज़ल्ट आ गए। अगर बात करें यहाँ पर, ये रिज़ल्ट है इन करोड़्स में, और यहाँ पर आप देख लीजिए ये इस बार के Q3 के, और ये Q3 के रिज़ल्ट है, ये Q4 के रिज़ल्ट है, ये 13, यहाँ पर एक मिनट, ये 13/3/2021 इस बार के रिज़ल्ट है, ये Q4 के रिज़ल्ट है, और ये Q4 के रिज़ल्ट है लास्ट ईयर के, ये Q3 के रिज़ल्ट है। तो यहाँ पर टोटल इनकम की बात कर ले, सीधे 40,696 करोड़ के यहाँ पर रेवेन्यू है इस बार के, इससे पहले 35 करोड़ के थे, इससे पहले 29 करोड़ के। तो अगर बात करें ईयरली क्वार्टरली बेस पे, काफ़ी अच्छा हिंडालको ने रिज़ल्ट पेश करे हैं, एज वेल एज सॉरी रेवेन्यू है, एज वेल एज अगर एक्सपेंस की बात करते हो तो एक्सपेंस 37,476 है, इससे पहले 32,246 था, इससे पहले 28,229। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पे, एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ हमें साफ नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर बात करते हैं टोटल प्रॉफिट की, टैक्स वगैरह देने के बाद फॉर द पीरियड ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, तो अगर हम बात करते हैं या फिर यहाँ पर बात करते हैं फॉर द पीरियड, यहाँ पर देख लीजिए तो 1928 करोड़ रुपये के यहाँ पर प्रॉफिट है, इससे पहले 1877 करोड़ था, इससे पहले 668 करोड़। तो ईयरली बेस पे कंपनी ने 3x मतलब 3x ज़्यादा प्रॉफिट किया, और क्वार्टरली बेस पे लगभग लगभग 1000 तो नहीं कहेंगे, लगभग 50 करोड़ के आसपास ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट करती हुई नजर आई है। तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट पेश करे हैं हिंडालको ने, और Nifty 50 का स्टॉक भी है। EPS की बात करें, ₹8.75 का EPS है, इससे पहले ₹9.08 का EPS था, इससे पहले ₹3 का EPS था। तो कंपनी के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आए हैं हिंडालको, एज वेल एज बात करें यहाँ पर और दूसरी कंपनी, तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब। लाल पैथलैब आपको पता ही है, टेस्टिंग करती हुई नज़र आती है कोविड के, इस वजह से स्टॉक को बहुत ज़्यादा प्रीफ्रेंस मिला है। और बात करें डिविडेंड की, तो फाइनल डिविडेंड ₹8 का कंपनी ने अनाउंस कर दिया है अपने शेयर होल्डर के लिए, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। अगर बात करें यहाँ पर इसके सारे फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में अगर नाम शुमार होता है तो इस कंपनी का होता है, इन मिलियंस में रिजल्ट है। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर टोटल इनकम की, 45,000 रुपीज़, इससे पहले 4600, इससे पहले 3137 मिलियन रुपीज़। तो ईयरली बेसिस पे बढ़त है, बट क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट नज़र आ रही है स्लाइटली। टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 3337 से पहले 3370 था, इससे पहले 2683। तो एक्सपेंस क्वार्टरली घटता हुआ नज़र आया, बट ईयरली यहाँ पर बढ़ता हुआ एक्सपेंस नज़र आया है। अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, 851 लाख रुपीज़, से पहले 959, से पहले 326 मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट था। तो अगर बात करते हैं ईयरली बेस के, तो ईयरली बेस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, बट क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आया है, वो भी लगभग लगभग अगर बात करें 92-93 करोड़ के आसपास यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आया। यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द EPS की बात कर लेते हैं तो ₹10 का EPS, इससे पहले 11 का EPS, इससे पहले ₹3.94 का EPS था। तो EPS ईयरली बेस पर बढ़ रहा है, क्वार्टरली बेस पर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो शायद बाजार को रिजल्ट पसंद ना आए और यहाँ पर गिरती हुई ये कंपनी के
रिजल्ट ये गिरता हुआ नजर आ सकता है शेयर, एज वेल एज बात करते हैं श्री सीमेंट। श्री सीमेंट का आपको स्टॉक पता ही, 25-26 हज़ार रुपये का स्टॉक चलता है, काफ़ी बड़ा स्टॉक है। 60 रुपये का फाइनल डिविडेंड अब यहाँ पर कंपनी ने अनाउंस किया है। अगर यहाँ पर स्पेशल डिविडेंड तो नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ 60 रुपये का ही डिविडेंड है बस। और यहाँ पर इनके रिजल्ट देख लेते हैं, यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखते हैं इनके रिजल्ट। तो ये इन करोड़्स में रिजल्ट हमें है पाइपलाइन में। अगर बात करते हैं टोटल इनकम की, तो 4,055 करोड़ के इस बार की इनकम है, इससे पहले 3,416, इससे पहले 3,315। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर कंपनी अगर बात करें श्री सीमेंट ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। एक्सपेंस की बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की, 3,108, इससे पहले 2,570, इससे पहले 2,647 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस। तो यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आए, जो कि अच्छी बात नहीं है। बट स्टिल प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर बात करते हैं, कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न पेश करे है। अगर बात करें 767 करोड़ के अभी के यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 626 करोड़ का, इससे पहले 588 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। ईयरली क्वार्टरली बेस पे कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो आप इस कंपनी की इस सीमेंट सेक्टर के साथ आप जुड़े रह सकते हो, और आगे चल के भी ये इसी तरीके से परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है। एज वेल एज अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया आगे बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हैं, तो ये सीमेंट सेक्टर एज वेल एज बिल्डिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक है जो कि छोटी छोटी मटेरियल बनाते हैं, वो भागते हुए नजर आ सकते हैं। बात करें यहाँ पर ईपीएस की, तो यहाँ पर देखिए 212 रुपये का ईपीएस, इससे पहले 173, इससे पहले 163। तो ईपीएस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ पर पेश करते हुए नजर आया श्री सीमेंट। एज वेल एज बात करें यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर बात करें क्रॉम्पटन की, ओके हमने यहाँ पर देखे तो हमने हिंडालको के रिजल्ट, डॉक्टर लाल पैर श्रीराम, और यहाँ पर देख सकते क्रॉम्पटन, क्रॉम्पटन के भी रिजल्ट यहाँ पर अच्छे खासे है या नहीं देखते हैं, मैंने देखे नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर डिविडेंड की, तो कंपनी ने आई थिंक यहाँ पर डिविडेंड दिया है या नहीं, हाँ दिया है डिविडेंड ऑफ 2.5 रुपये, मतलब 2.5 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड यहाँ पर क्रॉम्पटन देती हुई नजर आई है। क्रॉम्पटन एक अच्छी खासी जानी मानी कंपनी है, कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसके बाद अच्छा खासा जंप भी आया था। और अगर बात करें यहाँ पर क्रॉम्पटन बल्ब बनाती हुई नजर आती है, तो PLI स्कीम से रिलेटेड भी इस कंपनी को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। इन करोड्स में रिजल्ट है, ओके। अगर बात करें यहाँ पर टोटल इनकम की, 1535 करोड़ का यहाँ पर इस बार का रेवेन्यू है, इससे पहले 1343, से पहले 1029। तो क्वार्टरली बेसिस पे एज वेल एज ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। यहाँ पर एक्सपेंस की बात करें, टोटल एक्सपेंस 1308 करोड़ के, इससे पहले 1145, से पहले 896 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस नजर आए थे। तो कंपनी ने यहाँ पर अपने आप को प्रूव कर दिया है, बट यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आया है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं 246 करोड़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 147, से पहले 99। तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर रिजल्ट पेश कर दिया है ईयरली और क्वार्टरली बेस पे। तो इस कंपनी के साथ ध्यान रखिए, मंडे को ये भागता हुआ नजर आएगा, ओके। और कभी बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिले तो इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं, बाकी स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से आप यूज़ कर सकते हैं। बट मेरी बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही आप इसमें कोई भी डिसीजन लीजिए। ईपीएस भी देख लिए, 3.93 रुपये का ईपीएस, 2.35 रुपये का, इससे पहले 1.59 रुपये का ईपीएस। तो ईपीएस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। सारी कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो क्रॉम्पटन की बात करें, काफी बेहतरीन रिजल्ट, इससे श्री सीमेंट के रिजल्ट काफी बेहतरीन है, डॉक्टर लाल पैथ ने थोड़ा सा निराश कर दिया है। एज वेल एज बात करें हिंडालको के रिजल्ट, फाइन एब्सोल्युटली वंडरेबल यहाँ पर रिजल्ट पेश करती हुई कंपनी नजर आई है। तो आप कोई बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही कोई पोजिशन लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, दूसरे को हमारे चैनल के साथ कनेक्ट करिए, दूसरे वीडियोस को भी देखिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।